Good morning, children. Today we are going to start new chapter, and that is structure and functions of plant. You can see that a picture has been given here. A warm up activity. A plant has root, stem, leaves, flowers, fruits. Which part of the plant are shown in the picture? Name them. So you can see the parts, flowers, the attractive part of the plant are being shown here, right? So let's start the chapter. Parts of a plant. There are two main parts of a plant. These are root and shoot. Root, the part of a plant that grows under the soil is called the root. The root is of two types, taproot and fibrous root. Taproot, a single main root that grows downwards from the base of the stem and gives out branches sideways is called a taproot. Plants like pea, bean, gram, turnip, radish and carrot have taproot. First of all, we are going to know about the main two parts of the plant, that are root and shoot. दो main part कौन कौन से होते हैं? Root and shoot. तो root किसको कहते हैं? हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़. तो the part of the plant that grows under the soil. मिट्टी के अंदर जो part होता है, soil के अंदर जो part होता है plant का, उसको क्या कहते हैं? Root कहते हैं. और root two types की होती हैं. Tap root और fibrous root. टैप रूट में आप देख सकते हैं कि एक मोटी जड़ नीचे जाती है मिट्टी के अंदर स्टेम से निकल के, और उसके साइडवेज में पतली पतली धागे जैसे निकले रहते हैं, और इसको टैप रूट, पर एक मोटी जड़ होती है जो उसको टैप रूट कहते हैं. कौन कौन से प्लांट्स में टैप रूट होती है? पी, बीन, ग्राम, टर्निप, रेडिश, कैरेट, इन सब में टैप रूट होती है, राइट? फाइब्रस रूट, अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. प्लांट्स लाइक ग्रास, अनियन, मेज, राइस एंड वीट हैव फाइब्रस रूट. टैप रूट एंड फाइब्रस रूट पिक्चर ऑल्सो गिवेन हियर, यू कैन सी. Functions of roots. Roots hold the plant firmly in the soil. The tiny hair on a root called root hair take water and nutrients from the soil. Roots hold the soil and prevent it from being washed away. Roots of plant like carrot, radish, turnip, sweet potato and beetroot swell up by storing food in them. We eat these roots as food. Taproot का आपको बताया कि एक मोटी जड़ जो मिट्टी के अंदर जाती है, और उसके sideways में छोटी छोटी पतली जड़ें भी होती हैं. लेकिन fibrous root कैसी होती है? इसमें बहुत सारी thread जैसी roots जो है वो अंदर downwards मिट्टी के अंदर होती हैं, और जो stem के base में होती हैं, मतलब जो stem से निकल के नीचे मिट्टी के अंदर जाती हैं. और जैसे देख सकते हैं आप पिक्चर में भी दिया हो, फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या डिफरेंस है. एक मोटी जड़ जो नीचे तक गई है जिसमें से पतले पतले रेशे जैसे धागे निकले हुए हैं, ये टैप रूट है. जबकि फाइब्रस रूट में कोई मोटी जड़ नहीं है बल्कि पूरे रेशे. कभी आपने घास की जड़ को देखा है? घास को जब आप निकालते हैं मिट्टी से तो आपने देखा होगा उसमें बहुत पतले पतले धागे जैसे बने रहते हैं स्ट्रक्चर, है ना? तो वो फाइब्रस रूट होता है. तो कौन कौन से प्लांट्स में फाइब्रस रूट होता है? ग्रास, अनियन, मेज, राइस और वीट जैसे प्लांट्स में फाइब्रस रूट होता है. अब नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ रूट्स. क्या फंक्शन, काम क्या होता है रूट्स का? रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल. सबसे पहला काम कि
पौधे को मजबूती से मिट्टी के साथ जोड़ के रखते हैं, मतलब एक मिट्टी के साथ अटैच करके रखने का, मजबूती से पकड़ के मिट्टी को रखने का काम रूट्स करती हैं। जो टाइनी हेयर होते हैं रूट्स में, जिनको रूट हेयर भी कहा जाता है, उनका काम क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, जो पौष्टिक तत्व और पानी होता है उसको मिट्टी से लेके फिर ऊपर तक उसको पहुंचाने का काम, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने का काम ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो रूट्स में होते हैं वो करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या होता है कि वो सॉइल को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से जब तेज़ हवा चलती है या बारिश होती है उस टाइम पे जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की वो बहती नहीं है, बल्कि मजबूती से जड़ें उनको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो मिट्टी का क्या नहीं होता है, ख़राब नहीं होती है मिट्टी। कैरेट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो की रूट्स जो होती हैं, या बीट रूट की भी जो रूट्स होती है, वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है, इसलिए वो स्वेल्ड अप हो जाती हैं। मतलब आपने देखा होगा कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब एक्चुअली रूट होती हैं जिनको हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। राइट, एक्टिविटी वन, पुल आउट अ ग्रास प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द गार्डन, आस्क द गार्डनर टू हेल्प यू इन पुलिंग आउट अ प्लांट हैविंग टैप रूट, ऑब्जर्व दैट रूट्स एंड नोट डाउन द डिफरेंस इन योर नोटबुक। शूट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। स्टेम, द पार्ट ऑफ द शूट दैट बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड द स्टेम। प्लांट्स लाइक मिंट एंड कोरिएंडर हैव अ सॉफ्ट स्टेम, प्लांट्स लाइक रोज एंड तुलसी हैव अ थिन एंड वुडी स्टेम। वट इज शूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट। पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर आपको दिखाई देता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए, स्टेम होती हैं, है ना, तना होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं। वट इज़ स्टेम, द पार्ट ऑफ द शूट दैट बेयर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड द स्टेम। शूट का वो पार्ट जो पत्तियाँ, कलियाँ, फूल और फ्रूट्स को बेयर करता है उसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। मिंट, कोरिएंडर, इनकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। मिंट और कोरिएंडर, मिंट मींस पुदीना, इनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं अपने फूड में, चटनी बनाते हैं या गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और रोज़ और तुलसी की स्टेम कैसी होती है, थिन होती है, पतली तो होती है लेकिन वुडी होती है, हार्ड होती है। राइट,